बिहार विधानसभा में संख्या बल के मामले में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है जो फिलहाल अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश में जुट गई है। दिल्ली से लेकर पटना तक 24 घंटे चर्चा हो रही है कि अब लालू प्रसाद यादव अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को पार्टी की कमान विधिवत सौंप देंगे। हालांकि इस पूरे मामले में लालू प्रसाद यादव का बयान सामने आ गया है। लालू प्रसाद यादव ने साफ साफ कह दिया है कि वो तेजस्वी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाने वाले हैं। पार्टी तेजस्वी यादव को लेकर इतना बड़ा फैसला इसलिए भी नहीं ले रही है क्योंकि अगर तेजस्वी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो तेज प्रताप यादव के विरोध का सामना यहां पर किया जा सकता है। तेज प्रताप यादव आरजेडी के खिलाफ हो सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों के बीच में सवाल ये उठता है कि अगर तेजस्वी नहीं तो आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। इस बारे में आरजेडी के सूत्रों का कहना है, परिवार और पार्टी ने तेजस्वी यादव के हाथों में पार्टी की कमान सौंपने का लगभग मन बना लिया है, लेकिन तेज प्रताप की नाराजगी इस फैसले में रोड़ा बन सकती है। इसलिए लालू परिवार के लोग और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बीच का रास्ता निकाल लिया है। आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अगर तेजस्वी यादव के नाम पर तेज प्रताप किसी भी तरह का विरोध करते हैं तो राबड़ी देवी को आरजेडी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया जा सकता है। फिलहाल राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं। सूत्रों का ये भी कहना है कि पार्टी में लालू प्रसाद यादव के लिए अलग से पद को सृजित किया जा सकता है। पार्टी के बड़े और निर्णायक फैसले लेने का अधिकार लालू प्रसाद यादव के पास ही सिर्फ रह सकता है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।